कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस किसको टिकट देती है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, कांग्रेस कितना ही जोर लगा ले जहां भी उपचुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। उन्होंने कहा मूंग की फसल को सरकार खरीदेगी, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मूंग और दलहन की फसल को बढ़ावा देने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी मदद कर रही है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो। इस बार मूंग की फसल की पैदावार अच्छी हुई है और किसानों को इसका लाभ मिले इसके लिए सरकार प्रयासरत है। किसानों की मूंग की फसल सरकार खरीदेगी, इसमें किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कमल पटेल ने उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस कितना ही जोर लगा ले लेकिन जीत भाजपा की होगी, वो किसे टिकट देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं देखिए, दलहन के उत्पादन के बढ़ावा के लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है और ये मूंग का देखिए ना, मूंग जितना पूरे भारत में नहीं होता उससे ज्यादा हमारे आधे से ज्यादा हमारे प्रदेश में होगी और इस बार और बढ़ाएंगे ताकि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो। 60 दिन की फसल है मूंग की और अच्छी हुई है, इस बार उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है और इसलिए किसान की आय दोगुना होने में ये सहायक सिद्ध हो जाए और हम उसको रेट भी अच्छे दिला रहे हैं, समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। अभी भी गर्मी की ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल भी हम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं, अभी क्योंकि बारिश का मौसम था तो एक सप्ताह तक थोड़ा उसमें व्यवधान आया लेकिन अब पुनः हम तेज गति से पूरी मूंग की फसल खरीदेंगे। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है वो करती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी के बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के बल पर और सरकार के कामों के बल पर चुनाव जीतेंगे, कमल खिलेगा। लोकसभा उपचुनाव चाहे खंडवा हो चाहे जितने भी विधानसभा के चुनाव होंगे सभी जगह कमल खिलेगा। कोई भी टिकट मांगे कांग्रेस से हमें क्या लेने देना, जिसको भी टिकट देना दें और जिसको नहीं देना नहीं दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।